जहाज बांडा पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे कैंप हमने लगा लिया है, कुछ देर हम यहाँ पे स्टे करेंगे। बहुत ही मज़े का यहाँ पे मौसम है, बारिश हो रही है और इंतहाई खूबसूरत ये वैली है। बारिश ने जो मज़ा है उसका दुबला कर दिया है, चूँकि मज़ीद ठंड भी हो गई है। बारिश जो है वो अभी तो स्लोली स्लोली बूंदाबांदी जो है वो चल रही है, लेकिन इसके बाद जो मौसम की पेशगोई है वो ये है कि शायद यहाँ पे तेज़ बारिश जो है वो भी हो जाएगी। तो इतना ज़बरदस्त ये नज़ारा है, इतना दिलकश ये नज़ारा है। जहाज़ बांडा इस मकाम का नाम है। इसके चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ नज़र आ रही है, इसके साथ साथ पहाड़ हैं चारों तरफ। तो इतना खूबसूरत मकाम जो है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे हम स्टे भी करेंगे, यहाँ पे जो है वो हम जो है वो कोशिश करेंगे बोन फायर भी करें और इस तरह की मज़ीद चीज़ें आप जब यहाँ पे आए तो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। नाइट आप यहाँ पे स्टे करें, यहाँ पे कैंप भी मिल जाते हैं, होटल भी मिल जाते हैं और कैंप इंतहाई सस्ता है। कैंप तकरीबन आपको 1000 में यहाँ पे मिल जाएगा और होटल का जो कमरा है वो 2000-2500 में यहाँ पे मिल जाता है। ये बहुत सस्ता है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप खुद भी जो है वो कुकिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो बोनफायर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके। तो ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है, जितनी तारीफ़ की जाए इसकी कम है, लेकिन आप जब यहाँ पर ख़ुद आएँगे तो उसके बाद आपको एहसास होगा कि इससे दिलकश नज़ारा जो है वो शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होगा। हमने बहुत सी वैलियाँ भी देखी हैं, हमने बहुत से जो मकामात हैं वो भी विज़िट किए हैं, स्कर्दू भी गए हैं, गिलगित भी गए हैं, लेकिन जो नज़ारा यहाँ पे जहाज़ बांडा में है वो हमें कहीं नहीं नज़र आया। बहुत ही खूबसूरत मकाम है, आप ज़रूर आएँ यहाँ पे और इसको इंजॉय करें।